हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज आप लोग बताएंगे पोको M2 जिसमें FRP लगा हुआ है उसको बाईपास करके। बाईपास करने से पहले इसको हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसमें वाईफाई को कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एग्री करेंगे और वाईफाई में जाकर कनेक्ट करेंगे इसको। यहाँ पे मेरा आ गया ना, जो हॉटस्पॉट खुला हुआ है उसका वाईफाई है। पासवर्ड डाल देंगे 2 3 4 1 2 3 4। मेरा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। बैक आ जाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस एक साथ प्रेस करेंगे। टर्न ऑन कर देंगे। टॉकबैक ऑन। वेलकम टू टॉकबैक। वेलकम टू टॉकबैक। यहाँ पे मेरा टॉकबैक ऑन हो चुका है। इस पे उल्टा L प्रेस करेंगे, अलाउ करेंगे। Use voice commands to control talkback. Here are some things that you can say: copy, read from next item, find, save, speak faster, talkback settings, say. यहाँ पे Wi-Fi, use voice command, command पे क्लिक करेंगे। Google Assistant open, इसमें बोलेंगे Google वो है। ओपन सेटिंग्स। ओपन यूट्यूब। नोटिफिकेशंस बटन डबल टैप टू एक्टिवेट। इसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस को फिर से एक बार एक साथ प्रेस करेंगे। ये जो प्लस माइनस है इसको फिर से एक साथ प्रेस करेंगे, जो कि मेरा टॉकबैक ऑफ हो चुका है। ऑफ होने के बाद यहाँ पे इस आइकन पर क्लिक करेंगे और सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे अबाउट का ऑप्शन आएगा, अबाउट क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस पर क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे, नो थैंक्स। यहाँ जो सर्च बार आ गया उसमें टाइप करेंगे VN Roam। VN Roam आ गया, जो फर्स्ट वेबसाइट है बाईपास गूगल अकाउंट 2023, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रीन लॉक, स्मार्ट स्क्रीन लॉक पे क्लिक करेंगे। यहाँ लॉक मालूम है, मुझे लॉक पता नहीं है, तो लॉक हटा देंगे। यहाँ पे जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, नेक्स्ट हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद एडिशनल सेटिंग, एसेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेरा एसेसिबिलिटी मेनू ऑफ है, इसको हम ऑन कर देंगे। ऑन हो चुका है। फिर बैक करेंगे और यहाँ पे मेरा गूगल है, गूगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो व्हाट का सिंबल है ना, व्हाट, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे डिलीट, DELETE। यहाँ आ गया ना डिलीट, डिसेबल, मैनेज, यूज एप्स एंड एंड्रॉयड, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरा आ गया डिलीट एप्स यू इंस्टॉल्ड, इस पर क्लिक करेंगे ना एप्लीकेशन सेटिंग पे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सो सिस्टम पर क्लिक कर देंगे। और नेक्स्ट क्या करना है हमको, एंड्रॉयड सेटअप, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको फर्स्ट वे स्टॉप एंड स्टोरेज को कैच कर देंगे। फिर बैक जाएंगे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट, इसको भी एंड्रॉयड ऑटो, इसको भी डिसेबल कर देंगे, फर्स्ट वे स्टॉप और डिसेबल कर देंगे, इसको कर देंगे। बैक आ जाएंगे। नेक्स्ट हमको क्या करना है, प्ले सर्विस को सर्च करना है। गूगल प्ले सर्विस है, उसको डिसेबल है, इसको हम इनेबल कर देंगे। यहाँ पे इनेबल हो गया और इसको फर्स्ट वे स्टॉप भी कर देंगे। फर्स्ट वे स्टॉप हो गया और पूरी तरह से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी लैंग्वेज आपका हो। मेरा, मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे टर्म एंड सर्विस को एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे।
यहाँ पे इन सिम कार्ड कोई ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट कर देंगे हम, नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे डोंट कॉपी या नेक्स्ट डोंट कॉपी पे क्लिक करेंगे। देखिए इस तरह का वो लोगो आप पे आएगा, चेकिंग फॉर अपडेट, चेकिंग फॉर अपडेट, चेकिंग फॉर अपडेट, चेकिंग फॉर अपडेट, इस तरह का आएगा। तो उसके बाद क्या करना है ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे गूगल जो मैंने एसेसबिलिटी को यहाँ पे ना गूगल असिस्टेंट को ओपन किया है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे गूगल असिस्टेंट को ओपन करेंगे, सेटिंग का ऑप्शन आ गया मेरा। जैसे यहाँ क्लियर को, यहाँ पे जब जिसे इसको डिसेबल कर दिया तो फिर हम ये क्लियर करेंगे, मैनेज ऐप्स में जाएंगे और जो क्लियर ऑल डाटा कर देंगे, हो गया। इसको एक बार बैक करेंगे, आ गया गूगल से, इसको बीच में के यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्लिक करेंगे हट जाएगा, आ गया। इसको एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, एग्री कर देंगे, सेटअप कर देंगे। हो गया मेरा, डन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। फोन कर दो, कर हो गए।